Before starting the term 2, I want to ask you some of the things for the new chapter. जो आपको पता हो वो आप मुझे बता सकते हो. First, do you hear the word printing? Yes, ma'am. Sir, printing then, means yes, ma'am. Yes, ma'am. What do you mean by that? नहीं आपका माइक ऑफ है तो आप माइक ऑन करके बोलोगे. Printing means copy of documents in paper. Okay, right. One word is that copy of document on the page. मतलब कि हमारे पास कंप्यूटर में जो सॉफ्ट कॉपी होगी उसको हार्ड कॉपी बनाना है. जो हमारे हाथ में होगी उसको हम बोलेंगे हार्ड कॉपी. और जो हमारे कंप्यूटर में आपको दिखाई दे रहा है वही डॉक्यूमेंट दैट इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी. राइट, सो वी आर डूइंग दैट हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी. नाउ टेल मी वन थिंग, इन द मैथ्स यू लर्न सम ऑफ द शेप्स, राइट, इन द प्रीवियस क्लासेस. शेप्स, प्लेन शेप एंड द सॉलिड शेप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? मैम, प्लेन शेप्स आर 2D एंड सॉलिड शेप्स आर 3D. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 2D? 2D टू डायमेंशनल एंड 3D थ्री डायमेंशनल. यस, थ्री डायमेंशनल. 2D means the two dimensional and 3D means the three dimensional, right? So what is the difference between the 2D and the 3D? Ma'am, 2D figures are just like, only they give two dimensions, like they are on a paper. But 3D figures are like, for example, a ball. It has a sphere shape. It is a 3D object. Yes, right. Means whenever you have any of the thing, then in the real life you are using all the things that is in form of the 3D, most of the things. But some of the things like a paper, they are come in the 2D shape. Why? Just because it has only the two dimensions. वो इतना thick नहीं होता, बड़ा नहीं होता, जिसकी वजह से आपको उसमें कुछ रखना, box होता है आप उसमें रख सकते हो कुछ भी, आप अपनी चीजें रख सकते हो. cupboard होता है उसमें भी आप अपनी चीजें रख सकते हो. लेकिन जो सिंपल पेपर होता है, मैं नोटबुक पेज की बात कर रही हूँ, नोटबुक पेज जो होता है उसमें आप कुछ रखना हो तो रख नहीं सकते हो. यस, व्हेनेवर यू फोल्ड इट एंड फॉर्म्ड इट इन द अदर थिंग, अदर ऑब्जेक्ट, देन इट विल बी कन्वर्ट इन द 3D फॉर्म, राइट? सो दिस इज द डिफरेंट बिटवीन द 2D एंड 3D. यू गेव मी द आंसर अबाउट द प्रिंटिंग. प्रिंटिंग क्या है वो आपने मुझे बताया. नाउ यू कैन टेल मी, व्हेनेवर यू टेक अ प्रिंट, जब आप प्रिंट लेते हो या फिर मुझे देखा हो, किसी और टीचर को देखा हो या फिर अपने पेरेंट्स को देखा हो कि प्रिंट ली है उन्होंने, तो वो जो प्रिंट होती है वो किस फॉर्म में होती है? 2D. Why it's 2D? 2D? Why it's 2D? आप ऐसा क्यों बोल रहे कि वो 2D फॉर्म में होती है? Because printers can take out only papers. Yes, it will be take out only the paper, so it will be came in the 2D form. Now, can you hear the word 3D printing? Yes, ma'am. Yes. No. What? Where you heard that, Jiyansh? आपने कहाँ पे सुना? कैसे सुना? Ma'am, I have saw this on one show. OMG, ये मेरा India that on TV. Okay, he show on the TV. Anyone else? जिन्होंने देखा हो? Yes, Jiyansh, you can share your experience. आपने क्या देखा था? Ma'am, in that they shows that we can print 3D objects out of them, out of that printer. Yes, using the printer. And it takes too long. And it takes too long. Yes, yes, right thing. Means you can also print the 3D thing, print. अभी आप तक आपने जो भी देखा वो सब कुछ 2D में था. Now we are going to learn the 3D. अभी हम 3D printing के बारे में सीखेंगे. 3D printing आपको पता ही होगा कि 3D का मतलब क्या होता है, printing का मतलब क्या होता है. Whenever the objects came in the 3D, 3D form, then it will be a 3D printing. उसके लिए special से अलग printer आता है. अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट के प्रिंट निकालनी हो तो उसके लिए पर्टिकुलर वेबसाइट्स आती है, एप्लीकेशंस आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें आप अपने 3D ऑब्जेक्ट्स बना सको और फिर उसकी प्रिंट आप जो स्पेशल प्रिंटर आता है उसके थ्रू निकाल सको. नाउ
We are going to learn the chapter number 3, Tinkercad. Anyone hear the word Tinkercad? Class 5? Yes, ma'am. Yes, where you... No, no. Yes, where you hear that word, Malhar? Ma'am, I just read the book. You read the book? Where? Which book? Ma'am, this book. Okay, our computer's book. Right. Anyone else? जिन्होंने बुक के अलावा कहीं और भी सुना हो ऐसा कोई है? ओके, सो टिंकर कैट जैसे अभी मैंने बोला, वी कैन ऑल्सो टेक अ प्रिंट ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द वेबसाइट एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जस्ट बिकॉज वी कैन मेक ओन 3D ऑब्जेक्ट, हम हमारा ही 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. सो टिंकर कैट इज द स्पेशल वेबसाइट दैट इज used to make the 3D object for 3D printing. 3D printing के लिए हम 3D object उसमें बना सकते हैं. Simply उसकी website है. I'm going to share my screen. Again. So the website is wait. Due to some network, that will be an issue. And whenever Tinkercad will be open, it will be take some time. Agar nahi ho raha, ma'am, nahi ho raha, mere phone mein aisa ho raha hai. Don't do that. Don't be panic whenever you open the Tinkercad. So, website is the www.tinkercad.com. Okay, मैंने ऑलरेडी इसमें लॉग इन किया हुआ है मेरी अपने ही आईडी से, तो मेरा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा व्हेनेवर आई क्लिक ऑन दैट. बट आपका क्या आएगा, सिंपली उसमें आपको पूछेगा कि आपको लॉग इन करना है कि नहीं करना. सेकेंडली आपको पूछेगा आपका मेल आईडी, आप अपना या फिर आप अपने पेरेंट्स का मेल आईडी डाल सकते हो. एंड थर्ड उसके नीचे आएगा आपका पासवर्ड, मतलब टिंकरकैड के लिए आपको कौन सा पासवर्ड चाहिए. Not your mail account password, आपको Tinkercad का password डालना होगा. So this is the, whenever you just logged in with using of your mail ID and your password, then this screen will be appears to you. ये वाली screen आपको दिखाई देगी. So I will be show you that how it will be work. For today I'm just here for introduction, ताकि आप भी एक बार ओपन करके उसको देख लो. वेबसाइट देखो www.tinkercad.com. You can also open in the mobile phone. लिखते ही आपको पूछेगा कि रजिस्टर करना है नहीं करना है, नया अकाउंट बनाना है. सो आई एम सजेस्टिंग टू यू क्रिएट न्यू अकाउंट. Whenever you click on the create new account, then it will be asked for your mail ID and your Tinkercad password. वो आपकी मेल आईडी पूछेगा, Tinkercad पासवर्ड आपको वहां पे लिखना है. यस, यू हैव टू क्लिक ऑन ज्वाइन नाउ. यस, ओके, यू आर ऑलरेडी डूइंग विद अस. आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द 3D डिजाइंस. पहले जिन लोगों ने बनाई होगी यहाँ पे आपको दिखाई देगी जब आप इस पे क्लिक करोगे. बट वेन एवर यू वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3D डिजाइन, सो यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू डिजाइन. Whenever you click on the create new design, then this screen will be appears to you. Tinkercad थोड़ा time लेता है, तो आपको panic होने की जरूरत नहीं. मैम मेरी screen नहीं आ रही, जल्दी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा. Okay, so this is the main screen of the Tinkercad. Whenever you wants to make the 3D objects, आपको बनाने हो 3D objects, तो ये वाली screen आपको दिखाई देनी चाहिए. आपको सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ ऊपर से आपको टॉप फ्रंट, आपको कौन सा व्यू लेना है. ये जो स्पेस है उसको हम रेगुलरली जहाँ पे वर्क करते हैं तो उसको हम वर्क स्पेस बोलते हैं, बट इन द Tinkercad इट कॉल्स द वर्क प्लेन. क्लास 5 में आया था इस साल, जो है लास्ट ईयर नहीं था ये वाला चैप्टर क्लास 5 में, बट इस साल जो है वो क्लास 5 में ये वाला चैप्टर ऐड हुआ है. तो इसकी वजह से आपका जो है बेसिक जो था Tinkercad का वो थोड़ा स्कीप हो गया है. तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देती रहूँगी कि इसको ये बोलते रहे, इसको ये बोलते हैं, राइट?
तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिक शेप्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके नाम भी नीचे लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, कैसे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेक दिस, सो यू कैन सी दैट इट विल बी केम टू योर, आप उसको ऐसे मूव कर सकते हो, उसको छोटा बड़ा जो भी साइज आपको करनी हो तो आप देख सकते हो। टॉप व्यू कैसा है उसका, आप ऐसे देखो आपको दिखाई दे रहा है टॉप व्यू में, उसको छोटा बड़ा जैसे करना हो वैसे आप कर सकते हो, दैट इज डिपेंड ऑन यू। आप इसको ऐसे घुमा के यहाँ पे वो घूमता भी है इस तरह से, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग। दिस इज द बैक व्यू, दिस इज द बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू मीन्स यहाँ पे चारों व्यू आएंगे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम एंड द मिडल। अगर आपको यहाँ पे ऐसे हॉल बनाना है तो आप उस तरह से भी बना सकते हो। आई विल बी शो यू द फ्रंट वन, तो ये रहा आपका फ्रंट व्यू। वो बिल्कुल ब्लैंक रखना हो तो ब्लैंक रख सकते हो, उसमें सॉलिड कलर डालना हो तो आप सॉलिड कलर भी डाल सकते हो। देर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे देखना है कि क्या मैंने किया हुआ है। आप यहाँ पे शेप भी चेंज कर सकते हो, टेक्स एंड नंबर्स, तो सिर्फ टेक्स और नंबर्स यहाँ पे आएंगे। देर आर मेनी टाइप्स फॉर दैट, कैरेक्टर्स, कनेक्टर्स, वट एवर यू वॉन्ट, आपको जो चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इंक्रीज द साइज, डिक्रीज द साइज, दैट इज डिपेंड ऑन यू। व्यू होम, दिस इज द वर्क प्लेन, वो इस तरह से टॉप व्यू में आएगा, उसको मूव करना हो तो इजीली आप मूव भी कर सकते हो। यू वॉन्ट टू टेक द हैंड, देन यू कैन, सो यू कैन सी दैट दिस विल बी अ हैंड। If you want to just increase the size, then you can. So I just show you this thing. Try it yourself. आप अपनी तरह से try करो उसको. Right? So I'm suggesting you just make a one home type. आप अपने आप से बनाओ आपको जो अच्छा लगता है. Not make a cartoon. Make some basic shape, यानी कि square है, triangle है, उसको यूज करके आप कुछ ऐसा शेप बनाओ जो दिखने में भी अच्छा लगे। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिले उसकी फोटो लेके रखना, हम स्क्रीन शेयर का यूज करके सबकी इमेजेस देखेंगे कि किसने क्या बनाया है, कैसा बनाया है। दिस इज माय सजेशन, आप अपने ओर से ट्राई करो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि मैम हम ये भी बना सकते हैं, नहीं मैम हम ये भी बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा आइडियाज रहते हैं। शेप्स देखो, अपनी आइडिया बनाओ। यस यस मैम, प्लीज स्पीक मैम। हाँ बोलो मैम, एक बार ये फिर से कर सकते हो आप? मतलब ये कैसे किया मैंने यूज? यस Okay, so if for example you want to delete the shape, just click on the shape. ये वाला जो shape है मुझे delete करना है, तो ये रहा delete का symbol. Just click on that, it will be deleted. Click on this shape, it will be deleted. Right? मुझे ये वाला भी delete करना है, तो delete करो. This is the symbol of the duplicate. उसका same to same अगर आपको copy लेना हो तो आप ले सकते हो. Copy and duplicate. दिस इज द सिंबल ऑफ पेस्ट, ये पेस्ट का सिंबल है। ओके, सो आई एम अगेन डूइंग दैट, टेकिंग वन बॉक्स हियर। ओके, इट विल बी केम, उसको छोटा बड़ा जो भी करना हो, रोटेट करना हो ऐसे तो आप कर सकते हो। रोटेट का सिंबल ये रहा, ये जो एरो आपको दिख रहा है, जैसे आप एरो पे ले जाओगे तो आपको डिग्री भी दिखाई देगी। अपर से रोटेट करना है, लोअर से रोटेट करना है, दैट इज डिपेंड ऑन यू हाउ यू वांट टू रोटेट। ओके, अदर शेप आपको लेना है, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स आते हैं। अगर आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो सारे शेप में, ऑल करोगे तो सारे शेप एक में ही आ जाएंगे।
नेम आपको कौन सी में चाहिए? यहाँ पे डायरेक्ट होम भी बना हुआ है, यू कैन ऑल्सो टेक दैट वन, दैट इज डिपेंड ऑन यू, आपको क्या लेना है, कैसे बनाना है, हम धीरे धीरे बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से बनाने का ट्राई करो. एंड वी हैव अ मोर 10 मिनट्स, अभी हमारे पास 10 मिनट्स भी है टू 10 o'clock, तो आप अपने आप से अभी भी ट्राई कर सकते हो. दैट इज आई टोल्ड यू, मैं मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी ट्राई कर सकते हो. या यू कैन चेंज द कलर, आपको ये कलर अच्छा नहीं लगता, प्लीज म्यूट योर सेल्फ. इफ यू वॉन्ट टू टॉक विथ योर पेरेंट्स, राइट डाउन द वेबसाइट नेम www.tinkercad.com. मे बी इट्स विल बी मैं ऑल्सो मैंने बी वेरी वेबसाइट तो खोल भी दी. वेरी गुड, सो योर देर आर मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन. मैम मैंने तो डिजाइन करना स्टार्ट भी कर दिया. गुड, नेक्स्ट टाइम वी आर लर्न अबाउट द रूलर टू. यस मैम, यस यस प्लीज स्पीक, आई एम लिसनिंग टू यू. दैट मैम कैन वी यूज इट इन एंड्रॉइड? या आई टोल्ड इन द फर्स्ट टाइम दैट और ओनली इन पीसी. नो नो नो, यू कैन आल्सो ओपन, दिस इज अ सिंपल वेबसाइट, बट यू फेस सम ऑफ द डिफिकल्टी. उतना अच्छे से आपको नहीं दिखेगा, उतना बड़ा वर्क प्लेन आपको नहीं मिलेगा जितना हमें कंप्यूटर में मिलता है. आप देख सकते हो कितना बड़ा वर्क स्पेस है, तो आप इजीली उसको बना सकते हो. यस, हु वांट्स टू आस्क समथिंग? ये अभी तक हमने सिर्फ वर्क प्लेन ही सीखा है, नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे रूलर. क्या डिलीट कैसे करते हैं? सिंपली आप उस पर क्लिक करो, जैसे कि ये है, मैंने उस पर सॉरी सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना उस पर क्लिक करो, ये रहा डिलीट का सिंबल, दैट्स इट. अगर आपको आपको गलती से डिलीट हो गया है तो रीडू अंडू करना है, तो ये रहा अंडू का, ये है रीडू का. आप अंडू भी करके उसको वापिस भी ला सकते हो अगर बाई चांस गलती से डिलीट हो गया हो तो. व्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, टॉप व्यू आप पूरा उल्टा भी कर सकते हो, बॉटम से इस तरह से दिखता है, राइट फ्रंट लेफ्ट. एंड्रॉइड में भी होगा, लेकिन थोड़ी ये जो आप देख सकते हो टॉप राइट बॉटम, वो इतने अच्छे से आप नहीं देख पाओगे. आई एम जस्ट थिंकिंग दैट वो जो व्यू होता है वो इतना अच्छे से आपको नहीं दिखाई देगा. सो एनीवन हैव अ क्वेरी हाउ टू ऐड द शेप? अभी हमने सिर्फ वर्क प्लेन सीखा है. इफ यू वांट टू ऐड द वर्क प्लेन, अदर वर्क प्लेन, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्क प्लेन है, सबकी शॉर्टकट की भी दी हुई है. जैसे ही आप ले जाओगे तो सबके पास शॉर्टकट की भी आएगी, जैसे कि वर्क प्लेन, तो डब्ल्यू जैसे करोगे तो वर्क प्लेन आ जाना चाहिए. I am pressing the W and you can see here. आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आप देख सकते हो जो एरो है उसके पास ब्लू है. अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया तो वो आपको दूसरा वर्क प्लेन नहीं दिखाएगा, वो वैसे ही घूमता रहेगा जैसे मेरा एरो घूमेगा. बट वेन एवर आई प्लेस आई क्लिक देन यू कैन सी दैट अदर वर्क प्लेन विल बी एडेड. वाई इट्स नॉट एडेड? ओके, सो दैट अभी मुझसे हुआ तो था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट एडिंग, दैट्स इट. एंड नेक्स्ट टाइम वी लर्न अबाउट द रूलर. वी हैव 10 मिनट्स, सो यू कैन ट्राई योर वन. आप अपना कुछ बनाने का ट्राई करो, देखो कितने शेप्स हैं, किस तरह से हम कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हैं. सो आई एम गिविंग यू अ टाइम एंड आई एम गोइंग टू end the video. If you have a query to adding, deleting, undo, redo, copy, paste, then you can ask me. Yeah, one thing I want to show ma'am, you that. Yes? Ma'am, I can create my ID, but the day likha hua hai, to usme kya likhu ma'am? Kya likha hai? Kya likha hai? Day. Sorry. Day, ma'am. Day? No, day will be ma'am, I can show you one more. Ma'am, date of birth. Wait, I just want to end this, then you can share your screen. Wait.
Okay, just show me. It's Ma'am, this about one. your birth date, I think. Is it ask for your birthday? Okay. If you What, want ma'am? to copy, वो birthday पूछ रहा है ना आपको. Yes, ma'am. That's okay. You can add that. Okay. Now, how can you copy this? Click on the object. This is the copy symbol. Just paste symbol. आप देख सकते हो दो add हो गए. Then, अगर आपको डुप्लीकेट बनाना है तो सेम डुप्लीकेट भी बन जाएगा. सेम टू सेम कॉपी एंड डुप्लीकेट आर सेम लाइक दैट. शॉर्टकट आर ऑल्सो गिवन. कंट्रोल सी कंट्रोल डी इज द फॉर द डुप्लीकेट एंड कंट्रोल वी फॉर द पेस्ट. दैट्स इट. सो अपने आप से ट्राई करें कुछ. हैव यू गोइंग टू ट्राई बाय योरसेल्फ? देन आई विल. यस मैम, मैंने ना एक से बनाया है वो स्क्वायर वाला. वेरी गुड. आप अपना ऑब्जेक्ट बनाओ. कोई 3D सोचो. आपके घर में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो 3D शेप में होते हैं, राइट? तो आप उनको बनाने की ट्राई करो यूजिंग द टिंकरकैड. आप अपने आप प्रैक्टिकली ट्राई करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. आपको जल्दी से समझ भी आने लगेगा. मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आपने लास्ट ईयर ये वाला चैप्टर नहीं सीखा था, राइट? यस मैम. यस यस मैम. इसको सेव कैसे करने का? अच्छा सॉरी, वेट आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन. मैम सेव कैसे करते हैं? हाँ मैं वही बता रही हूँ. हैव यू सीन द स्क्रीन? नो मैम. नो मैम. ओके नाउ. यस मैम. Yes, ma'am. Okay, to save, first of all, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्सपोर्ट का. एक्सपोर्ट में आप क्या करोगे, डाउनलोड एंड 3D प्रिंट. वो डायरेक्टली प्रिंटर में हो जाएगा. वेन एवर यू क्लिक ऑन दैट इट विल बी शो द एवरीथिंग इन द डिजाइन द सिलेक्टेड शेप. जो शेप आपने सिलेक्ट किया है वही सेव करना है, या फिर आपने जो पूरी डिजाइन बनाई है वो सब कुछ आपको सेव करना है. दैट इज योर चॉइस. फॉर 3D प्रिंट आपको कौन सी 3D प्रिंट चाहिए, ये जो है डिटेल फुल एक्सटेंशन आर देयर. आपको कौन सा एक्सटेंशन चाहिए वो आप सिलेक्ट करो, देन इट विल बी डाउनलोड. यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिपेयरिंग फॉर डाउनलोड एंड इट विल बी डन. एनीथिंग सेंड टू, आप किसी के यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड का सिंबल भी है और ऑलरेडी वो जिप में डाउनलोड हो भी चुका है. यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हो टेरिफिक एसबो डॉट जिप. वो उसका नेम आएगा, फिर आप रीनेम भी कर सकते हो. आई विल बी शो यू दैट. ये रही आपकी फाइल, आप उसको ओपन करके देख सकते हो. बट अगर आपके पास वो सिस्टम के लिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो वो ओपन नहीं होगी. जैसे कि मेरे अंदर अभी आप देख सकते हो इट विल बी नॉट ओपन जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव दैट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, राइट? बट यू कैन डाउनलोड इन दिस वे. अगर उसमें भी नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे जाओगे सेंड टू में और उसके पास डाउनलोड का भी सिंबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो इमेज के फॉर्म में डाउनलोड हो गया. डाउनलोड करोगे तो वो एक इमेज के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा और इजीली आप कर पाओगे, उसको देख पाओगे. अगर आपको फर्स्ट वे नहीं है, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है तो आप डायरेक्टली सेंड टू पे जाके ये रही डिजाइन उस पर क्लिक करो, वो डाउनलोड हो जाएगा लोकली इन योर कंप्यूटर. That's it. Any query now? Ma'am? Ma'am? To use Tinkercad, we have to download it app? No. I told you that you have to write down the website www.tinkercad.com. Okay. Ma'am? Hmm? Ma'am, I'm not able to put this on a work plane. What should you have to do? Just click on the shape.
एंड ड्रैग इट हियर, उसको ड्रैग करना है, मूव नहीं करना, उसको ड्रैग करना है, मतलब आपको आपका लेफ्ट कर्सर और माउस दोनों एक साथ मूव करने पड़ेंगे, लेफ्ट बटन जो होता है माउस का और आपका माउस दोनों एक साथ मूव करने पड़ेंगे, तब ही आप उसको ड्रैग कर पाओगे यहाँ पे। यस मैम, ये यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखा पर रॉन्ग पासवर्ड बता रहा है। रॉन्ग पासवर्ड दिखा रहा है? कौन से पासवर्ड लिखा आपने, मतलब आपने मेल का पासवर्ड लिखा, क्या लिखा? मैम मेरा गूगल का पासवर्ड। गूगल का पासवर्ड, वापिस से ट्राई करो। आप अपना पासवर्ड भी भूल सकते हो, या फिर आप टिंगर के लिए जो पासवर्ड रखना चाहते हो वो भी आप रख सकते हो ना। ओके ओके, सो नाउ मैं अपना बना के रख सकते हैं हम पासवर्ड। सॉरी मैम, अपना बना के रख सकते हैं पासवर्ड? हाँ रख सकते हो। दिस इज द ग्रिड व्यू, दिस इज द ग्राउंड व्यू एंड दिस इज द ब्रिक्स व्यू। ब्रिक्स जो आपको पता है वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्राउंड व्यू क्या होता है कि इट्स लाइक अ गार्डन एंड इट विल बी शो द ऑब्जेक्ट्स इन द गार्डन। कलर्स आर चेंज बट इजी रहेगा आपके लिए ग्रिड व्यू ओनली, दिस इज कॉल्ड द ग्रिड व्यू, राइट मैम? यस मैम, आई हैव ओपन द वेबसाइट बट स्टार्ट टिंकरिंग वी हैव टू क्लिक। या join or starting, then it will be asked about your mail account, first of all your details, then mail account and password, and then you can see the screen.